साहस सरोकार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। यूपी के संबल जिले में हुए कोल्ड स्टोरेज हादसे में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रशासन लगातार लोगों को सुरक्षित निकालने का प्रयास कर रही है। क्षमता से ज्यादा आलू से भरे कोल्ड स्टोरेज की करीब 90 फीट लंबी छत अचानक से भरभराकर ढह गई। कोल्ड स्टोरेज के मालिक समेत दो लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मुख्य आरोपी फरार है, जिनकी तलाश की जा रही है। हादसे वाली जगह पर मंत्री गुलाब देवी और मुरादाबाद के DIG शलभ माथुर भी पहुंचे थे। योगी सरकार ने ट्वीट करके संवेदनाएं व्यक्त की है और लिखा, जनपद संबल के चंदौसी स्थित कोल्ड स्टोर दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत पीड़ादायक है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और परिजनों को यह अथाह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। वहीं मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और गंभीर घायलों को 50-50 हजार दिए जाएंगे। सभी घायलों को निःशुल्क इलाज की सुविधा भी दी जाएगी। ऐसा है ना, मृतकों की कोई मांग नहीं है, लेकिन सरकार उनके लिए सहायता दे रही है। जो हमारे मृतक लोग हैं उनको 2 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से घोषणा की गई है और जो हमारे घायल हैं उनको 50 हजार रुपये दिए जाएंगे और उनका इलाज जो है फ्री किया जाएगा। यहाँ जांच के आदेश दे दिए गए हैं, सारे कोल्ड स्टोरों की जांच की जाएगी और इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जनपद संभल के जितने भी कोल्ड स्टोर हैं, ऐसे कोल्ड स्टोर को चेक करने के निर्देश दे दिए गए हैं। ITM और CO की एक टीम बना दी गई है, वो सभी कोल्ड स्टोर को जाके देखेंगे और सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो सके। निश्चित रूप से मैंने आपको पहले ही अवगत कराया है, श्रमिकों के प्रति जो मजदूर हैं, लेबर एक्ट के अनुरूप वैसे भी गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की सरकार की प्राथमिकता है इनकी हित चिंतन करने की, तो ऐसा कुछ करना होगा तो उसमें कोताही नहीं पड़ती है। मैं डॉक्टर रणवीर सिंह एडवोकेट, विधानसभा में 2022 के चुनाव में मौजूद और हमारे सभी सहयोगी साथी हैं, पूर्व विधायक श्री हरपाल सिंह जी, जयपुर मलिक साहब हैं, सतीश भाई हैं, जनार्दन जी हैं, रविंद्र भाई जी हैं। घटना है ये बड़ी दुखद घटना है और इसमें जो हम लोग देख रहे हैं कि जितना रेस्क्यू जल्दी होना चाहिए इसमें भी कहीं ना कहीं देरी हुई है, क्या कारण रहा है प्रशासन बताए, लेकिन वो रेस्क्यू भी जल्दी होना चाहिए और जो घायल है उन्हें अच्छा से अच्छा उपचार प्रशासन सरकार की तरफ से दिलाया जाए। कि कल 11 बजे कोल्ड स्टोर है चंदौसी के अंदर, इसका एक चैम्बर बैठ गया था जिसमें 30 लोग हमारे इस मलबे के अंदर नीचे रहते हैं, उसमें कम से कम एक दर्जन लोग रात हुए हैं और एक दर्जन से ज़्यादा लोग सकुशल बाहर निकले हैं लेकिन गंभीर हालत में चल रही है। ये बहुत बड़ा दुखद हादसा है। आज हम लोग कोई राजनीति नहीं करना चाहते क्योंकि ये राजनीति विषय नहीं है, क्योंकि हम लोग जो लोग भी हताहत हुए हैं उनके परिवारों को का दुख पहुँचने के लिए आए और उनके कंधे से कंधा मिलाकर के हम समाजवादी पार्टी के लोग शहीद हो रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि सरकार जितने भी हमारे लोग हताहत हुए हैं उनको एक करो और जो लोग घायल हुए हैं उनको लाभों का मुआवजा देने का काम करें। समाजवादी पार्टी ने भी संभल में हुई घटना पर ट्वीट करके लिखा, संभल जिले के चंदौसी में कोल्ड स्टोरेज की छत गिरने से लोगों के हताहत होने की सूचना हृदय विदारक, मृतकों की आत्मा को शांति दे भगवान, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना, राहत कार्य तेजी से चलाए सरकार।
बता दें संबल में बड़ा हादसा हुआ जिसमें कई मजदूरों की मौत हो गई है, वहीं अभी भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं बड़ा हादसा हुआ है जिसमें सीएम योगी ने भी संज्ञान लेते हुए 50-50 लाख मुआवजे का ऐलान किया है और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की बात कही है। वहीं मुफ्त इलाज के भी निर्देश दिए गए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने लगातार मोर्चे को संभाल रखा है। अब तक तमाम लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी कोल्ड स्टोरेज के संचालक फरार चल रहे हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। बता दें इस पूरे मामले पर योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है, आप देख सकते हैं ट्वीट। उनका जनपद संबल के चंदौसी स्थित कोल्ड स्टोरेज दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत पीड़ादायक है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है। प्रभु श्री राम दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान और परिजनों को यह अथाह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट आप देख रहे हैं, इन्होंने इस पूरी घटना पर ट्वीट किया है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता सुहानी हमसे जुड़ेंगी। सुहानी, संबल में बड़ा हादसा हुआ है, तमाम मजदूरों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हुए हैं, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? बता दें कि संबल में जो बड़ा हादसा हुआ है उसमें 10 मजदूर वही 3 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। आपको बता दें कि ये जो मामला आपको जो कोल्ड स्टोरेज आलू की वजह से जो कोल्ड स्टोरेज है वो अभी तक उत्तर प्रदेश में पूरा 2406 है। और वही दूसरी तरफ जो सरकार कहती है कि कोल्ड स्टोरेज पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन दूसरी तरफ देख सकती है किस तरह का संबल में जर्जर होने के कोल्ड स्टोरेज होने की वजह से इस बार जो मजदूरों की मौत हुई है। वही आपको बता दें कि इसमें 3 लोग जो सुरक्षित भी निकाला गया है और वहाँ पे जो जिला प्रशासन वहाँ अलर्ट हो गई है और तमाम रेस्क्यू अभी हो रही है और वहाँ पे जो वहाँ के पुलिस प्रशासन है वो भी देख रेख कर रही है और वहाँ के जो लोग घायल हुए हैं और जो वहाँ पे 10 मजदूर की मौत हो गई है उस पे योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया है और उनके बचाव के लिए जो घायल हैं उनके बचाव के लिए अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है और पैसे भी उनको मुआवजा भी देने के लिए ऐलान भी कर दिया गया। वही आपको बात करें ये कोल्ड स्टोरेज और आलू की जो इस पर इतनी बढ़ावा हुई है, इस बार जो हर बार आलू की बढ़ावा 150-160 लाख टन पैदावार होती थी, लेकिन 2.5 लाख टन पैदावार हुआ है। वही इस बार किसानों और जो व्यापारी उनका यही कहना है कि इस बार आलू की पैदावार बहुत ज्यादा मात्रा में हो गई है जिससे हमारी जो लागत है वो भी नहीं निकल पाएगी और सरकार इस पे अभी कुछ भी हमारे साथ नहीं दे रही है ना इससे कोई कदम उठा रही है। तो ऐसी लगातार जो व्यापारी और जो किसान है वो अपने व्यक्त कर रहे हैं, उनका ये भी कहना है कि इस बार कोई भी जो प्राकृतिक आपदा नहीं हुआ है और जो भी इस बार कोई फंगस ही नहीं किया, इस बार आलू का पैदावार ज्यादा हो गया है और कुछ ना कुछ इस पे सरकार को सोचना चाहिए। सुहानी, अभी मलबे से कितने लोगों को निकाला जा चुका है अभी और कितने लोगों की दबे होने की आशंका है? जी, मेरे को बता दें कि अपडेट आया था कि इससे की 20 से 25 लोग इसमें मलबे में दबे हुए थे जिसमें से 10 लोगों की मौत हो गई है और सुरक्षित अभी 3 लोगों की निकाला गया है और अभी भी रेस्क्यू जो जारी है और इसमें जो वहाँ से जो पुलिस प्रशासन है और उसमें जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार इससे देख रही है और वहाँ मलबे में दबे लोगों को निकाला जा रहा है और लगातार इस पे रेस्क्यू जारी हो गया। अब आगे अपडेट क्या आता है, कितने लोग इसमें से निकाला जा रहा है, लेकिन पूरा मामला बताया जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि 25 लोग इसमें दबे हुए थे, इसमें से 3 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। सुहानी, अभी कौन कौन से मंत्री संबल पहुंच चुके हैं? जी, बता दिया आपको कि इसमें योगी आदित्यनाथ उसी अपडेट करते हुए उन्होंने कहा है कि जो वहाँ के जिला प्रशासन है वो और वहाँ से जो पुलिस प्रशासन है तमाम जो मंत्री वो अपडेट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं और उन लोग की प्रति सहानुभूति जता रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है वहाँ की जांच देखिए और वहाँ के जो कोल्ड स्टोरेज के जो मालिक है उनको उनका छानबीन चल रहा है और उनको देखा जा रहा है कि आखिर इसमें क्या ऐसा था कि दर्जा था तो उन्हें अपडेट क्यों नहीं किया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर ये कहा था कि हम कोल्ड स्टोरेज
बढ़ाने के लिए भी कदम उठाएंगे और इसपे लगातार इसपे बैठकें भी कर रहे थे कि उन्होंने ये जब देखा कि उन्होंने साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि इस बार 650 रुपए प्रति क्विंटल के दर से आलू को घरों पे बेचा जाएगा और उनका ये भी मानना था कि जब आलू के पैदावार इतना हो गया था तो उससे कुछ ना कुछ हम कोल्ड स्टोरेज के लिए बात करेंगे और उसे बढ़ावा देने के लिए भी इस पर बात करेंगे। और आपको बता दें इसमें तमाम जो यहाँ के जो मंत्री है और उन्होंने भी जाके प्रस्तुत किया और लोगों की सहानुभूति दे रहे हैं और वहाँ पे जाके जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गई है, पुलिस प्रशासन भी वहाँ पे अलर्ट हो गया और तमाम लोग यहाँ पर स्टे कर रहे हैं और लोगों की बचाव कर रहे हैं। जी सुहानी, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे फिर से आपका रुख करेंगे। बता दें संबल में बड़ा हादसा हुआ है जिसमें कई मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है, वहीं कई घायलों का अभी इलाज चल रहा है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं परिजन हादसे से रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एनडीआरएफ एसडीआरएफ लगातार बचाव कार्य में जुटी हुई है। बता दें भर भरा कर कोल्ड स्टोरेज गिरा है जिसमें मजदूर दबे हुए हैं, वहीं बड़ा हादसा हुआ है। वहीं इस पूरे मामले पर सीएम योगी ने संज्ञान लेते हुए मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की बात कही है। वहीं ट्वीट कर इस पूरे मामले पर सीएम योगी ने संवेदना भी व्यक्त की है। और इस खबर पर संबल से हमारे संवाददाता मुबारक हमसे जुड़ेंगे। मुबारक, बड़ा हादसा हुआ संबल में, तमाम मजदूरों की मौत हो गई है, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? चंदो से इस्लाम नगर रोड का पूरा मामला है और बर्रही गांव जो पड़ता है वहां पर जो कोलेस्टर है, कोलेस्टर भरभरा से गिर गया है, जो भरभरा से गिरने के बाद में करीबन एसटीआरएफ की टीम ने जो 26 लोगों का रेस्क्यू कर लिया, रेस्क्यू और 11 लोगों की मौत हो चुकी है और उसमें नेताओं का आने का चक्कर लगा पड़ा है। मुबारक, अभी कितने लोगों की और दबे होने की आशंका जताई जा रही है? इसमें करीबन अभी रेस्क्यू जारी है और करीबन इसमें और बताए जा रहे हैं 10-15 लोग और बताए जा रहे हैं और इसमें पूरा रेस्क्यू होने के बाद जब पता चल पाएगा। और डीआईजी संजय माथुर वहाँ पे मौके पर घटनास्थल में मौजूद है और डीएम साहब संबल और एसपी चंद्रशेखरा वो घटनास्थल मौके पर मौजूद है और नेताओं का आने का भी इशारा लगा पड़ा है और धर्मपाल कैबिनेट मंत्री हुए हैं वहाँ पर और उन्होंने बताया तो इसमें एक अधिकारी सस्पेंड भी कर दिया गया है और दूसरी तरफ जो लापरवाही है उसके खिलाफ 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुबारक, कितने मंत्री अभी तक संभल आए हैं? उसमें गुलाव देवी राज्य मंत्री मौके पर पहुंचे थे और धर्मपाल कैबिनेट मंत्री मौके पर पहुंचे थे और समाजवादी पार्टी की तरफ से जो जिलाध्यक्ष है और उसके गोविंद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष मौके पर पूरी टीम वहां पर मौके पर पहुंची थी और दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरा इसमें दुख दबाया है और 2 लाख मृतकों के लिए बताया गया और 50 हजार रुपए और घायलों के लिए इलाज के लिए दिए गए हैं और वहाँ पे जो परिजन है परिजनों का बुरा हाल रोकर। जी धन्यवाद मुबारक तमाम जानकारियों के लिए। बता दें कोल्ड स्टोर भर भरा कर गिरा जिसमें कई मजदूरों की मौत हो गई है, वहीं अधिक संख्या में मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जिनका इलाज चल रहा है। बता दें संभल में बड़ा हादसा हुआ है, इस पूरे हादसे पर सीएम योगी ने भी संज्ञान लिया है। ट्वीट कर उन्होंने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की, वहीं मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया है, वहीं मुफ्त इलाज की भी बात कही है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, सरकार ने एक तरफ आलू की सौगात दी और इंतजाम नहीं है।
देखिए मोरू, जिस प्रकार से 650 रुपए आलू का रेट निर्धारित किया गया था, उसके बाद लगातार किसानों और विपक्षी पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर हमला बोला था। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है किसानों के हित में काम करने की बात करती है, वही विपक्ष लगातार जो है वो चाहे वो किसी भी गन्ना का मूल्य एमएसपी की बात हो या फिर आलू के एमएसपी की बात हो या फिर आवारा पशुओं की बात हो, लगातार राष्ट्रीय लोकदल से लेकर समाजवादी पार्टी लगातार सरकार पे हमलावर हो रही है। जब 650 रुपए तक जब इसका रेट निर्धारित किया गया था, उस प्रकार उस समय भी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट करके शिवपाल यादव ने ट्वीट करके विरोध किया था। और इस बार जो आलू की जो पैदावार हुई है पिछले सालों से काफी ज्यादा हुई है, लगभग 1.5 गुना तक ये पैदावार हुई है। और जब भी पैदावार अधिक होती है किसी भी फसल की तो जाहिर सी बात है अधिक जब चीजें होती है, मांग कम होती है तो डिमांड जो है वो रेट की घटती चली जाती है। ऐसे में सबसे बड़ा संकट ये है कि जो आलू के किसान है उनको उनकी उचित मांग फसल की मिल पाएगी या नहीं। इसके बाद संभल में जो हादसा हुआ है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगातार विपत्ति घेर रहा है। जो कोल्ड स्टोरेज है उसका छज्जा टूट के गिर गया था, यहाँ पे 10 लोगों की मौत हुई, लगभग 12 से ज्यादा लोग घायल हुए। और अभी भी एनडीआरएफ की टीम जो है वो घटनास्थल पे बनी हुई है, घायलों को निकालने का प्रयास अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके बकायदा इस मामले का संज्ञान भी लिया और जो घायल है उनको मुफ्त इलाज की बात कही, मृतकों को 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि और घायलों को 50,000 रुपए तक की सहायता राशि भी देने की बात कही। इसके बाद लगातार राष्ट्रीय लोकदल ने इस मामले का विरोध किया कि एक तरफ किसानों की बात नहीं सुनी जाती है, बजट में किसानों के लिए कुछ नया और खास नहीं होता है, वही इस प्रकार की घटनाएं जो है वो काफी आहत करती हैं। तो लगातार विपक्ष इस प्रकार की घटनाओं को लेकर, किसानों के मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। वही मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लेते हुए जांच कमेटी भी बता दी है। देखा जाए विपक्ष हमलावर तो है लेकिन वो सिर्फ ट्विटर पर एक्टिव नजर आ रही है, जमीन पर उतरने का काम नहीं कर रही है। बिल्कुल इस तरीके से देख सकते हैं कि किस प्रकार से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी, लेकिन अभी राष्ट्रीय अखिलेश यादव कोलकाता में है, राष्ट्रीय कार्यकर्ती की बैठक है, उनकी 2 दिवसीय दौरा है कोलकाता का, आज ममता बनर्जी से ही मिलेंगे। लेकिन बाकी उनके जो पदाधिकारी है वो इस मामले पर लगातार जो है विपक्ष को घेरने का काम कर रहे हैं। अगर बात करें राष्ट्रीय लोकदल की, जो किसानों की पार्टी खुद को कहती है, किसानों का हित ऐसी कहती है, और वो भी लगातार इस बात का विरोध कर रही है, जिस प्रक्रिया से देखा जाए कि ये कोल्ड स्टोरेज में तमाम खामियां देखी गई, अव्यवस्थाएं देखेंगे, जिस प्रकार से छज्जा टूट के गिरा है, तो इसके लिए जांच कमेटी प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त की गई है। मुख्यमंत्री ने खुद इसके जांच के आदेश दिए हैं, जांच कमेटी अपनी जांच करेगी, बकायदा रिपोर्ट सौंपेगी और जितने भी लोग इस हादसे में मारे गए हैं उनको 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की है और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। मैं आपको बता दूं कि अभी भी एनडीआरएफ की टीम मलबे से लोगों को निकालने का प्रयास कर रही है, अभी भी आशंका है कि कुछ लोग इस में दबे हुए हैं। विवेक, क्या आलू बदलेगा सरकार अगर यही स्थिति बनी रही तो? देखिए बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए तो सपा के राष्ट्रीय अखिलेश यादव ने बकायदा ट्वीट करके ये लाइन बोली थी कि आलू बदलेगा सरकार, इस तरह की चीजें हैं देखी जा सकती हैं। तमाम जो है केंद्र सरकार ने भी अपना बजट पेश किया, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना बजट पेश किया, तो किसानों के लिए कुछ खास नहीं रहा है। विपक्ष और लगातार किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत बोलते रहे हैं, हर बार नया बजट आता है लेकिन किसानों के लिए कुछ खास नहीं होता है, कोई बड़ी योजनाएं उनके लिए नहीं आती है। लगातार पेट्रोल और डीजल की अगर बात की जाए तो वो दाम जो है काफी बढ़े हुए हैं, इसके बाद बिजली बिल के भी दाम बढ़ गए थे, इससे सिंचाई में काफी दिक्कत हुई थी, बाद में सरकार ने इस पर अपना ध्यान केंद्रित किया और जो आलू के रेट तैयार किए गए हैं, लगातार किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत ये बात कहते रहते हैं कि ये दाम जो है काफी समय किसानों को और भी बेहतर सुविधाएं और बेहतर दाम मिल जाते हैं। लगातार गन्ना की एमएसपी की बात की जाए, आलू की एमएसपी की बात की जाए, आवारा पशुओं की बात किया, छुट्टा पशुओं की वजह से किसानों के फसलों का नुकसान होता है, किसान दिन रात मेहनत करता है, खेतों को सींचता है, जमीन का सीना फाड़ के जो है वो फसल उगाता है, उसके बाद पशु जो है आवारा पशु से फसल खा जाते हैं, बाद में बाजार में मंडियों में उसको भरपूर जो है उसका दाम भी नहीं मिल पाता है। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जो किसानों के लिए की जानी चाहिए, प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है लेकिन प्रयास सफल दिशा में होना चाहिए। लगातार विपक्षी पार्टियां इसका विरोध भी कर रही है कि सफल दिशा में सरकार का प्रयास नहीं है, किसानों के लिए इसकी सरकार नहीं है। जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए।
उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से काफी हंगामा देखा जा रहा है। संविदा पर काम करने वाले बिजली कर्मचारियों ने 72 घंटों की हड़ताल का ऐलान किया है। प्रदेश के अलग अलग कोनों में बिजली की कटौती और इस हड़ताल का असर दिख रहा है। कल संगठन के सदस्यों ने चेतावनी दी थी कि हमारी मांगों को अगर 10 बजे तक नहीं माना जाएगा तो हम हड़ताल करेंगे। उसके ठीक बाद उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और तमाम मांगों पर बात करते हुए नजर आए। साथ उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि किसी भी कर्मचारी को अगर इस प्रदर्शन का जबरन हिस्सेदार बनाया गया तो संगठन के पदाधिकारियों पर रासुका लगाई जाएगी। ऊर्जा निगमों के शीर्ष प्रबंधन की हठवादिता के चलते अंततः उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों को हड़ताल पर जाने हेतु बाध्य होना पड़ा है। रात 10 बजे से हड़ताल प्रारंभ हो गई है। 100% लोग हड़ताल में सम्मिलित हैं। लगभग 1,00,000 बिजली कर्मचारी और संविदा कर्मचारी इस समय कार्य से हट गए हैं। हड़ताल का प्रारंभ ताप बिजली घरों से हुआ है और उत्तर प्रदेश के सरकारी क्षेत्र के आनपारा ताप बिजली घर, ओबरा ताप बिजली घर, परीक्षा ताप बिजली घर और हरडोगन ताप बिजली घर, इन सभी ताप बिजली घरों में नाइट शिफ्ट में यानी 16 मार्च की रात से जिन लोगों को ड्यूटी पर जाना था एक भी कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं गया है। कई स्थानों पर जो कर्मचारी इवनिंग ड्यूटी कर रहे थे उनको रिलीव भी कर दिया गया है, वो बाहर आ गए हैं। लेकिन कई स्थानों पर अभी इन कर्मचारियों पर दबाव डाला जा रहा है कि वो काम पर बने रहें। यह अमानवीय है। हम शांतिपूर्वक हड़ताल कर रहे हैं, कार्य छोड़ के हट रहे हैं। अगर सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था किया है तो जो हमारे कर्मचारी 8 घंटे से ज्यादा इस समय 10 घंटे ड्यूटी कर चुके हैं उनको तत्काल रिलीव किया जाना चाहिए, यह प्रबंधन से मेरा आग्रह है। खून ना खोला, खून नहीं वो पानी। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से काफी हंगामा मचा हुआ है। संविदा पर काम करने वाले बिजली कर्मचारियों ने 72 घंटों की हड़ताल का ऐलान कर दिया है। प्रदेश के अलग अलग कोनों में बिजली की कटौती और इस हड़ताल का असर दिख रहा है। कल संगठन के सदस्यों ने चेतावनी दी थी कि हमारी मांगों को अगर 10 बजे तक नहीं माना जाएगा तो हम हड़ताल करेंगे। इसके ठीक बाद उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और तमाम मांगों पर बात करते नजर आए। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रितेश श्रीवास्तव हमसे जुड़ेंगे। रितेश, यूपी में बिजली कर्मियों का हड़ताल लगातार जारी है, इसको लेकर सरकार भी सख्त नजर आ रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए मयूरी, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो सबसे बड़ा मुद्दा था आज के 3 महीना पहले एक वार्ता हुई थी, उस वार्ता में विद्युत कर्मचारियों की कुछ 14 सूत्रीय मांगे थी, उन मांगों को लेकर एक फैसला हुआ था, उस पर नाकाफी जाहिर की गई सरकार की तरफ से। तब जाकर के उत्तर प्रदेश के जो विद्युत कर्मचारी हैं संयुक्त संघर्ष समिति के साथ सभी के तत्वाधान में ये 72 घंटे का हड़ताल किया जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं विद्युत आपूर्ति पूरी तरीके से बाधित हो रही है और पूरे प्रदेश में इसका जो सांकेतिक धरना प्रदर्शन है वो एक विशाल रूप ले चुका है। लखनऊ की अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ में फील्ड हॉस्टल में जो मध्यांचल विद्युत निगम लिमिटेड के बगल में जो बना हुआ है वहां पर पूरी तरीके से प्रदर्शन जारी है। सैकड़ों हजारों की तादाद में वहां पर विद्युत कर्मचारी मौजूद हैं। आज ऊर्जा मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है कि कहीं भी सेवाएं बाधित नहीं हो रही है। NTPC के जो वर्कर हैं, कर्मचारी हैं, वो अपना सहयोग कर रहे हैं। विद्युत ऑफिसर्स एसोसिएशन के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, कहीं कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो समस्याएं हाल फिलहाल इस समय हैं उसके लिए उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने संयम बरतने की मांग की है और जनता से भी ये अनुरोध किया है कि किसी तरीके का कोई पैनिक ना हो और सारी समस्याएं दूर की जा रही है। आप हमारे सामने पीछे देख सकते हैं बिजली घर है विकास नगर का लखनऊ में, जहां पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। राजस्व जिससे आता है बिजली के काउंटर बंद है, यहाँ पे यहाँ के सारे कर्मचारी नदारद है। फिलहाल विद्युत व्यवस्था को संभालने के लिए सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल समस्या है वो कहीं ना कहीं जो 27,00,000 लगभग कर्मचारी हैं वो अपनी ड्यूटी से कहीं ना कहीं नदारद दिख रहे हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने ये साफ कह दिया गया है कि यदि किसी कर्मचारी पर कोई भी कर्मचारी दबाव बनाता है काम करने से लिए उसको रोकता है तो एस्मा के तहत रासुका तक की भी कार्रवाई की जाएगी। सभी जिलाधिकारियों को भी सूचना दे दी गई है।
जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं उस लेवल तक भी ये कह दिया गया है कि इस प्रकार का अगर कोई मिलता है तो उस पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाए। जो ऊर्जा मंत्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि उनके क्षेत्र के जो सांसद हैं या विधायक हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस मामले को भी संभालेंगे, इस मामले पे अपनी नजर बनाए रखेंगे। जी रितेश, देखिए तो बिजली कर्मी लगातार अपनी मांगों को लेकर जिद पर अड़े हुए हैं, वहीं सरकार भी पूरे मामले पर सख्त नजर आ रही है, तो अब आगे क्या कुछ हो सकता है? देखिए पूरी तरीके से ऊर्जा मंत्री एके शर्मा लगातार बात कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऊर्जा मिश्रा का ये कहना है कहीं ना कहीं बिजली विभाग घाटे में है तो अभी संयम बरतने की जरूरत है। बिजली विभाग कर्मचारियों से उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अभी साथ देने की जरूरत है, अभी इस तरीके से अपनी नौकरी से अपने पद से हट करके जनता को जो समस्या हो रही है उसके लिए उनको अब ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसको बंद कर देना चाहिए। फिलहाल उनकी तरफ से पूरा निर्देश दिया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो विद्युत विभाग की संयुक्त संघर्ष समिति है उस समिति के तत्वाधान में लाखों कर्मचारी अपने हड़ताल पर हैं और कहीं ना कहीं कामकाज ठप देखने को मिल रहा है। पावर एसोसिएशन के जो अधिकारी हैं वो इसका बीड़ा उठा हुए हैं और मुख्यमंत्री का एक साफ कहना है कि जल्द ही कोई बात करके हल निकाला जाएगा, चीजों का हल बात करने से ही निकलता है। इस तरह से जो जनता को समस्या होगी तो कहीं ना कहीं बर्खास्तगी भी कार्रवाई की जाएगी, विद्युत विभाग के जो कर्मचारी हैं उन्हें सस्पेंड भी किया जा सकता है, इस तरीके की बात भी कही जा रही है। जी धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल में काफी हंगामा देखा जा रहा है। लगातार बिजली कर्मी हड़ताल कर रहे हैं। संविदा पर काम करने वाले बिजली कर्मचारियों ने 72 घंटों की हड़ताल का ऐलान किया है। प्रदेश के अलग अलग कोनों में बिजली की कटौती और इस हड़ताल का असर दिख रहा है। खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, यूपी में बिजली कर्मियों का हड़ताल लगातार जारी है, वहीं सरकार भी इस पूरे मामले पर सख्त रुख अपनाए हुए है। कर्मचारियों का आज हड़ताल है, कल रात 10 बजे से हड़ताल की शुरुआत होती है। बात की जाए तो अपनी कई क्षेत्रीय मांगों को लेकर आज बिजली विभाग के कर्मचारी बिजली संघर्ष समिति की संयुक्त मोर्चे के बैनर तले आज कहीं ना कहीं प्रदेश की बिजली व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं अपना योगदान देते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि इस वक्त में जो बिजली विभाग का संघर्ष समिति का संगठन है उसके पदाधिकारियों के बीच में हूँ, ठीक सामने प्रवेश द्वार है, क्योंकि आपको वहाँ ध्वनि ज्यादा है तो हम वहाँ से आपको दिखा नहीं सकते। वहाँ अलग अलग जो संघर्ष समिति के लोग हैं जो एक होकर और अपनी मांगों को मांग रहे हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि हम लंबे अरसे से अपनी मांगों को मांग रहे हैं और ऊर्जा मंत्री कहीं ना कहीं हमारे जो मामले हैं उस पर पूरी तरह से अपना मार्गदर्शन नहीं दे रहे हैं, अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं। आपको बताएं कि संघर्ष समिति जो बिजली विभाग की है उनकी तरफ से 3 दिसंबर को प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा से मुलाकात करके और अपने कई सूत्री मांगों को और समझौते पर हस्ताक्षर करना था। आपको बताएं कि इसके लिए शक्ति भवन से कहा गया था कि 15 दिन के भीतर इस पे जवाब आएगा, लेकिन 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं, लगभग 112 दिन हो चुके हैं और अब तक इस पर ऊर्जा मंत्री का कोई बयान नहीं आया है। वहीं आपको बताएं कि इस हड़ताल को देखते हुए प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा पूरी तरह से अधिकारियों को अलर्ट कर दिए हैं कि जो भी कर्मचारी हैं वो अपनी हाजिरी लगाकर वापस न लौटे और किसी राजनीतिक का शिकार न बने। और वहीं अगर बात की जाए तो अभी प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा गया है कि अगर कोई प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बनना चाहता है, इस हड़ताल का हिस्सा नहीं बनना चाहता है और उसे जबरन अगर जो इसमें ढकेला जाता है तो जो जबरन ढकेलेगा उसके ऊपर एनएसए और रासुका जैसे कदम उठाए जाएंगे। साथ ही अगर कोई भी फ्रीडम में या कोई की
कहीं भी व्यवस्था में कहीं भी किसी तरह की छेड़खानी की गई, तोड़फोड़ की गई या नष्ट किया गया सरकारी संपत्ति को, तो उनको पूरा विधिवत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आपको बताया कि हड़ताल को देखते हुए जहां अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में इसका असर देखने को मिल रहा है, तो वहीं ऊर्जा विभाग की तरफ से अन्य विभागों के जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको भी कंट्रोल रूम में ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही अगर बात की जाए तो NTPC, बजाज पावर समेत तमाम जो प्राइवेट पावर अथॉरिटीज है, जो पावर कंपनियां हैं, जो पावर के ऊर्जा के क्षेत्र में काम करती हैं, उनसे भी मदद मांगा गया है कि अगर हम प्रदेश की जो बिजली की व्यवस्था है उसको सुचारू ढंग से नहीं चला पाए तो आप हमें सहयोग देंगे। अब देखिए देखा जाए तो बिजली कर्मी अपनी मांगों को लेकर लगातार जिद पर अड़े हुए हैं, वहीं इस पूरे मामले पर सरकार भी सख्त नजर आ रही है, तो आगे क्या कुछ हो सकता है? जी अगर बात की जाए तो ऊर्जा मंत्री ने अपना रुख अभी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा है, जिसमें अगर बात की जाए तो ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने साफ तौर से कहा है कि कुछ जगहों पर फ्रीडम में तोड़फोड़ की बात आई है, गन्ने से और फ्रीडम पे लोग चोट मारते हुए नजर आए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी भी दी है और साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह के क्लिप जहां भी होंगे, अगर कहीं भी सरकारी संपत्तियों का नुकसान होगा तो विधिवत कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर अगर बात की जाए तो अभी फिलहाल में बिजली विभाग की जो संयुक्त संघर्ष समिति है उसके ठीक प्रदर्शन के बाहर हम मौजूद हैं। बात की जाए तो सुरक्षा की भी व्यवस्था किए गए हैं और अगर जो ये प्रदर्शन उग्र होता है तो उन्होंने साफ तौर से निर्देश दे दिया है कि जो जिन संगठन के पदाधिकारियों का इसमें नाम होगा और वो सरकार से वेतन ले रहे होंगे तो उनकी नौकरी भी खतरे में होगी। जी धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। बता दें यूपी में बिजली कर्मियों का हड़ताल लगातार जारी है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता राजन हमसे जुड़ेंगे। राजन, यूपी में बिजली कर्मियों का हड़ताल लगातार देखने को मिल रहा है, क्या कुछ जानकारी? विभिन्न मांगों को लेकर कल रात 10 बजे से 72 घंटे के हड़ताल पर ये बिजली कर्मचारी यहाँ पर बैठे हैं और लगातार शासन और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इनकी विभिन्न समस्याएं हैं, विभिन्न मांगों को लेकर ये यहाँ पर 72 घंटे के हड़ताल को लेकर बैठे हैं। और देखिए एक एक करके यहाँ पर बहुत सारे लोग इस हड़ताल में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि भोजन का समय है तो भोजन भी कर रहे हैं और यहाँ पर हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। मैं इनसे जान लेता हूँ कि आखिर ये बैनर लेकर यहाँ पर क्या अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, क्या क्या समस्या है आपको? समझौता हुआ था ऊर्जा मंत्री जी से और उन्होंने अपने वादे से मुकर गए हैं, उसके विरोध में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी जायज मांगों के लिए जी। और ऊर्जा मंत्री जी ने उसे लागू नहीं किया, तो वादा खिलाफी बता रहे हैं इस चीज को? वादा खिलाफी कर रहे हैं, अपने वादे से मुकर गए हैं तो वादा खिलाफी ही है। कब तक चलेगी हड़ताल? हड़ताल फिलहाल तो ये हमारी 72 घंटे के लिए है, उसके बाद जो हमारे संघर्ष समिति के शैलेंद्र दूर्वे जी उनके आह्वान पर आगे की जो बताया जाएगा उसके अनुसार आगे कार्यक्रम चलाया जाएगा। बिल्कुल, तो बताइए ये हड़ताल चल रही है, आप यहाँ से हमारी 18 मांगे थी, लेकिन जो उच्च प्रबंधन और सरकार और हमारी संघर्ष समिति के मध्य समझौता हुआ उसमें 14 मांगों पर सहमति बनी, जिनमें से हमारा क्या नाम है, 100 संविदा कर्मियों का वेतन बढ़ोतरी की मांग थी और कैशलेस इलाज की मांग थी, कुछ हमारे फिक्सेशन है उनकी मांग थी और इसी तरह हमारी 14 मांगे थी जिनका हमारा सहमति बनी। जी बताइए क्या कहना चाहते हैं? हमारी समझौता जो 3 दिसंबर को कराया इन्होंने मान ले, धोखा ना दे हमें, हमारा तो यही मानना है, एकमात्र वही बात है कि 3 दिसंबर का समझौता। किस किस रैंक के इसमें हड़ताल में लोग शामिल हुए हैं? संविदा कर्मचारी से लेकर मुख्य अभियंता
तो सरकार ने जो वादा किया था क्या वो वादा पूरा नहीं कर पाई? वादा पूरा करते यहाँ बैठने की जरूरत क्यों होती है? वादा खिलाफ ही हुई है, साझी हुई है वादा। लेकिन आपकी इस हड़ताल से देखा जाए तो जनता को काफी परेशानी हो रही है, बिजली जो है बाधित हो चुकी है कई लाखों की, जनता परेशान होगी उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। लेकिन ये खेद जो प्रकट कर रहे हैं ना, ये स्थिति किसने उत्पन्न करी है? माननीय ऊर्जा मंत्री जी के द्वारा उत्पन्न किया, समझौता उन्होंने किया था, उन्होंने हमें बुलाया था कि आप आइए बैठिए टेबल पर, अपनी मांगों आपकी मांगों पर चर्चा की जाती है। उनके द्वारा समझौता किया, माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार के द्वारा समझौता किया गया, धोखेबाजी उनके द्वारा की गई है। यदि जनता को नुकसान होगा तो उसकी जिम्मेदारी माननीय ऊर्जा मंत्री जी की। इस तरीके की हड़ताल कर रहे हैं और शासन प्रशासन की तरफ से अगर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तो फिर क्या होगा? इसलिए हम तैयार हैं, अगर हम गलती पे हैं तो हम तैयार हैं, और माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने धोखा दिया तो ऊर्जा मंत्री जी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। यहाँ तक की जानकारी तो ये भी मिली है कि रासुका लगाने तक की बात हो रही है। हम तैयार हैं, कहते हैं हम तैयार हैं, अगर हम गलती पे तो हम तैयार हैं, हम गलती पे अभी तो 72 घंटे की है, 16 तारीख से जो भी हमारा निर्देश समिति के द्वारा उनका खर्च जी क्या कहना चाहते हैं भाई, लोगों को इतनी परेशानी हो रही है आमजन को, आप लोगों की इस हड़ताल से क्या लगता है कि प्रशासन और शासन मानने वाला है आप लोगों की बात? देखिए शासन प्रशासन को पहले ही संज्ञान है कि ये हड़ताल होने जा रही है, और ये हड़ताल हुई क्यों आप ये मानिए, 3 दिसंबर को जितने भी हमारे समझौते हुए थे, सर लिखित समझौते थे, उनको मानने से इनकार कर दिया गया, यहाँ तक कि उनको अवैध घोषित कर दिया गया, तो हमारे लिए तो मजबूरी हुई कि हमें हड़ताल पे बैठना पड़ा। विद्युत कर्मी कभी भी हड़ताल पे नहीं जाने के लिए तैयार है, क्योंकि विद्युत कर्मी 24 घंटे काम करता है, सातों दिन काम करता है, कोरोना तक में उसने विद्युत कर्मी ने विद्युत आपूर्ति दी है, लेकिन जानबूझ के हमें हड़ताल पर बैठाया गया, इस दरी पर बैठाने के लिए मजबूर किया गया है। क्या वो मांगे हैं जिनको लेकर आप लोग हड़ताल पर बैठे हैं? हमारी मांगे हैं कि हमारा समयबद्ध वेतनमान दिया जाए, हमारे संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए हमारी, हमें कैशलेस सुविधा दी जाए, ये सब आम मांगे हैं, कोई नई मांग नहीं है, वो मांगे हैं जो हमें पहले मिलती आ रही थी, लेकिन अब हमें वो मांगे रोक दी गई, हमारी जो सुविधाएं थी उनको रोक दिया गया। जब आप लोगों का समझौता हो चुका है तो सरकार फिर इस मांगों को क्यों नहीं लागू कर रही है? हम भी तो यही प्रश्न कर रहे हैं, जब हमारा समझौता हुआ है तो उसे आप जानने की कोशिश करें, अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे का क्या कुछ एक्शन होगा उनका? अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे की क्या कार्रवाई रहने वाली है? जो भी हमारा शीर्ष नेता तो हमें निर्देश करेगा, हम उसी के तहत जो है आगे कार्रवाई करेंगे। यहाँ कोई तय नहीं होगा, जितना भी है हमारे दुबे जी हैं, माननीय दुबे जी या हमारे केंद्रीय पदाधिकारी, जो भी निर्देश करेंगे उसी के तहत हम आएंगे। आप बताइए, योगी सरकार का तो कहना है कि वो हर किसी के साथ है, जो भी उनकी मांगे हैं वो मानी जाएगी, जो सही मांगे होंगी। आप लोगों की जो मांगे हैं उस पे वादा भी हुआ था, लेकिन वो लागू क्यों नहीं कर पा रही है सरकार? सरकार को क्या परेशानी आ रही है जो इतने सैकड़ों लोग यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, क्या कुछ आज फिर परेशानी आ रही है सरकार को? सरकार के जो नुमाइंदे हैं, इस विभाग का जो चेयरमैन है मिस्टर एम देवराज आईएएस, उसके द्वारा क्लियर मना कर दिया गया है, और उसको केवल कर्मचारियों को प्रताड़ित करना, उपभोक्ताओं की एक ना सुनना, और ये स्थिति उसी की वजह से हुई है। हमारी जो मांगे थी उनमें से 14 मांगों में हमारी सहमति बनी थी मैनेजमेंट के साथ में, जिसमें माननीय ऊर्जा मंत्री के शर्मा जी और MD UPPCL और माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं 19 सदस्य जी, वो शामिल थे उस वार्ता में, और हमारी संयुक्त संघर्ष समिति के सारे संगठन थे, जो जितने भी बिजली विभाग संगठन। राजन, सरकार और बिजली कर्मी के बीच बातचीत हुई थी, बातचीत तो हुई लेकिन वो सारी बातचीत बेनतीजा रही, तो क्या बातचीत थी जो विफल रही? जब 15 दिन थे उसके बाद देखिए, बिल्कुल इनका यही कहना है कि सरकार से जो भी मांगे थी वो कही गई थी, और उससे वादे पे वो अमल भी हुए थे, लेकिन वो वादा जो है लागू नहीं किया गया, वो वादा पूरा नहीं हुआ, जिसको लेकर आप सैकड़ों कार्यकर्ता आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो कर्मचारी विद्युत कर्मचारी बैनर तले सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, और ऊर्जा भवन पर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी यही सब मांगे हैं कि 14 मांगों को लेकर जो उनकी सरकार से हुई थी वो पूरी होनी चाहिए। महिलाएं भी हैं, और देखिए महिलाएं जो बैनर राजन, वहाँ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी आप बात करने की कोशिश करें। आप बताइए, सरकार ने आपकी बातों को सुना था, माना था, लेकिन लागू नहीं कर रही, क्या कहना चाहिए? हमारी मांगे नहीं मानती है, मजदूर होते हैं, हड़ताल करनी पड़ती है, हमारे तो हमने नौकरी करके काम करने के लिए।
आप सरकार तक हमारी बात पहुँचाइए। बिल्कुल मयूरी, देखिए चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तमाम जो कर्मचारी यहाँ पर हैं उनकी यही मांगे हैं कि जो उनकी 14 मांगे रखी गई थी सरकार से, वो सरकार उन वादों पर उतरे और उन मांगों को इनकी पूरा करे, नहीं तो ये हड़ताल लगातार जारी रहेगी। अभी तो फिलहाल 72 घंटे की हड़ताल चल रही है और इनका यही कहना है कि अगर जल्द से जल्द इनकी वादों को नहीं मांगे, इनकी मांगों को नहीं माना गया तो हड़ताल आगे भी चलेगी। मयूरी राजन, आपके आसपास और भी बिजली कर्मी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करें। जी ये बताइए, 14 मांगों को लेकर है, क्या वो 14 मांगे हैं जरा एक बार और जानना चाहेंगे, क्योंकि दर्शक हमारे ये जानना चाहते हैं वो 14 मांगे क्या है, ताकि सरकार तक आपकी वो 14 मांगे पहुंचाई जाए। 14 मांग में मैं बिंदुवार बता रहा हूँ कि पहली जो मांग थी हमारी, जो चेयरमैन या हमारे प्रबंध निदेशक अपॉइंट किए जाते हैं आज विभाग में 14 जनवरी बाद, उसमें ये कंपनी एक्ट में था और सरकार ने आदेश कर रखा है कि वो उस विभाग से चयनित, चाहे वो चेयरमैन हो या प्रबंध निदेशक हो, वो चयनित ही अधिकारी इसमें बैठेंगे। लेकिन क्या हुआ, जैसे पहले अवनीश अवस्थी हमारे पहले एमडी थे यहाँ, एमडी पश्चिमांचल, वो चयनित होके आए थे, भले ही आईएएस थे लेकिन चयनित होके आए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, इन लोगों ने अब आईएएस की सीधी ट्रांसफर पोस्टिंग से हमारे यहाँ चेयरमैन बना देंगे, प्रबंध निदेशक बना देंगे, ये गलत हो रहा है, नियमानुसार नहीं है। ये हमारी भी मांग थी कि आप नियमानुसार आप वैकेंसी निकालिए, चयनित चयन करिए, चयनित होके जो अभ्यर्थी आएगा वो चेयरमैन लायक होगा। आप क्या है, आपने बना दिया किसी जानवरों के डॉक्टर को, किसी कृषि विभाग के ग्रेजुएट को, कोई आर्ट साइड के ग्रेजुएट को, जो जो इस लायक इंजीनियरिंग विभाग है, ये इसमें इंजीनियर की तैनाती, चाहे वो आई एस हो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो, हमें एक्सेप्ट है कि उसका चयन होके यहाँ अपॉइंटमेंट होना चाहिए। आपके जैसे संविदा कर्मी हमारे 8,500 रुपए महीने में ये काम करते हैं, लाइन पर चढ़ जाते हैं साथियों, बड़ा कष्ट होता है, रोना आता है जब वो गिर जाता है, और 0 डिग्री टेम्परेचर पे वो टेम्परेचर पे जानो किस सीजन में ब्रेक डाउन अटेंड करता है। गर्मियों में जब 48 डिग्री मैक्सिमम 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, बांदा आगरा झांसी जैसी जगहों में, वहाँ दिन की दोपहरी में फ्लाइट अटेंड करता है और गिर जाता है साथियों, उसको क्या है, कोई उसको 8,500 में किसी का पेट पलता है, किसी का परिवार पलता है। हमारा मांग ये थी कि उसको विभाग विभाग एक सबसे नीचे पोस्ट से जहाँ भी जो कम से कम वेतन मांग हो उसको उसको रखा जाए। और जो जैसे आम जन है हमारे यहाँ होता है कि लाइन के नीचे कोई जा रहा है, गिर जाए, तार टूट जाए और वो उसकी मौत हो जाती है, एक्सिक्यूट हो जाता है, तो उसको 5,00,000 रुपए दिया जाता है आम पब्लिक को, वही संविदा कर्मी को दिया जा रहा है, जबकि संविदा कर्मी तो कार करते हुए वहां से गिरा है, मरा है, वो एलेक्ट्रिक्यूट हुआ है, तो उसको ज्यादा धनराशि देना चाहिए, कम से कम 30-40 लाख 50 लाख रुपए दे, ताकि उसका परिवार पल सके। वो कोई रेगुलर कर्मचारी तो है नहीं, 8,500 रुपए का कर्मचारी है, ठीक है। एक कुछ हमारे जैसे वेतन की अनियमितता थी, जो वेतन का विश्लेषण हुआ सातवें वेतन आयोग में, तो किसी को कम कर दिया, किसी का ज्यादा कर दिया, तो उनमें वेतन में जो निर्धारण सही नहीं हुआ। जैसे पहले हमें जो सुविधा मिलती थी 9, 14, 19 साल में वेतनमान हमें मिल जाते थे, ये आईएएस को मिलता, वो अपने आप ले रहे हैं क्योंकि उनको कानून उन्हें बनाना, वो अपना ले ले रहे हैं। लेकिन जो हमारा विद्युत कर्मचारी है पहले ये सुविधा मिलती थी, हम वही मांग रहे हैं कि 9, 14 साल में जो 9, 14, 19 साल में जो हमारे टाइम स्केल है वो हमें दी जाए। कैशलेस सुविधा, आपने सुना होगा, मैंने भी ये सुना है, मंत्री जी ने कहा कि भाई हम कैशलेस सुविधा, वो भी सरकारी अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में तो कैशलेस आज भी है ही है, पैसा थोड़ी लगता है, आप आम जन को भी मिलता है। आज मान लो हमारा समता कर्मी या मैं ही कहीं काम कर रहा हूँ, किसी पैनल में काम कर रहा हूँ, 33 के टैम पैनल में टेक्निकल लोगों की जरूरत होती है, मैंने काम भी किया है, एसडीओ मैंने पैनल में काम किया है कई बार, इलेक्ट्रिक्यूट में 8 साल बिजली घर जनरेशन में रहा, वहाँ कई हमारे इलेक्ट्रिक्यूट काम कर रहे हैं, वहाँ राजन बिजली कर्मचारियों की मांगों को लेकर शासन प्रशासन आगे क्या कुछ कदम उठाता है, देखने वाली बात रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। हड़ताल जारी है और इसको लेकर सरकार भी सख्त नजर आ रही है। बता दें 14 सूत्री मांगों को लेकर बिजली कर्मी हड़ताल पर
हैं। और इस खबर पर कानपुर से हमारे संवाददाता अनिल हमसे जुड़ेंगे। अनिल, यूपी में बिजली कर्मचारियों का हड़ताल लगातार जारी है, आप कानपुर में मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? बता दूं कि जिस हिसाब से कर्मचारियों की 17 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी कर्मचारियों के माध्यम से। और जिस हिसाब से कर्मचारियों का सीधा आरोप है कि पिछले 3 दिसंबर को जब सरकार से इनका साइन हुआ था, सरकार ने उनकी हर शर्तों को माना था और साथ में लिखित भी दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं जब सरकार ने इनकी शर्तों को नहीं माना है तब ताकि कर्मचारियों को इस स्थिति में आना पड़ा है। और लगातार जिस हिसाब से प्रदर्शन हो रहे तो कहीं ना कहीं सरकार को इसके आगे झुकना पड़ेगा। और जिस हिसाब से मंत्री ए के शर्मा भी झुकने के तैयार नहीं है और लगातार दोनों आमने सामने आके खड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों की चुनौतियों का सामना आम जनता को करना पड़ेगा। इसके अलावा बता दूं कि जिस हिसाब से कानपुर में जब इस चीज की घोषणा की गई, कानपुर में घोषणा करने के बाद पूरे कानपुर में प्रशासन पहले से ही अलर्ट हो गया था। अलर्ट होने के बाद में कानपुर में लगभग 80 कर्मचारियों को जो कि रात्रि का काम देखने के लिए, साथ ही लगभग 450 कर्मचारियों जो कि आउटसोर्सिंग का कर्मचारी थे जो रिटायर्ड हो चुके थे, साथ ही जो आईटीआई के स्टूडेंट हैं, पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं, उनको इन कामों में लगाया गया है। हालांकि सरकार का कहना है और कानपुर के जो प्रशासन उनका कहना है कि कानपुर में कुछ खासा असर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के लिए बड़ी चुनौती एक और आ गई थी जब कल का मौसम बिल्कुल बदला। मौसम बदलने के बाद में आंधी और हल्की बारिश की वजह से जगह जगह पे काफी फॉल्ट हुए थे। फॉल्ट होने के बाद में अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए थे। इसके अलावा बता दूं जिस हिसाब से जितने भी बड़े अधिकारी थे सभी के सीयूजी नंबर का लॉक हो गए थे और होने के बाद आम जनता काफी इससे परेशान हो रही थी। हालांकि जब इस चीज की समस्याएं आई तो जितने भी सब स्टेशन थे सभी सब स्टेशनों पे लोकल थाने की पुलिस और जो भी चौकी इंचार्ज और जो भी पुलिस कर्मी थे वो पहुंच गए थे ताकि किसी चीज कोई परेशानी ना हो कर्मचारियों को। इसके अलावा बता दूं कि जिस कानपुर में अच्छा खासा असर देखने को मिला और साथ में कुछ क्षेत्रों में इसका असर कम देखने को मिला है, जैसे कि बहुत से कर्मचारी कल काम पे लगे हुए थे, काम करने के बाद में जब कुछ लोग धरने प्रदर्शन में नहीं जा रहे थे तो धरना प्रदर्शन वाले उनको जबरन वहां से उठा के जाके वहां पे धरने की बैठा लग गया। हालांकि कानपुर में प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है और जितने भी जो भी संवेदनशील सब स्टेशन है वहां पे आरपीएफ वगैरह लगा दी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें सरकार झुकती है या कर्मचारी को झुकता है, लेकिन सरकार की नियत से नहीं लगता है कि एक शर्मा झुकने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो विद्युत कर्मचारी है उनका कहना है कि कहीं ना कहीं इसमें मुख्यमंत्री को भी इसमें इंटरफेयर करना चाहिए और जो उनकी 17 सूत्री मांगे हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। जी धन्यवाद अनिल तमाम जानकारियों के लिए। अभी के लिए खबर दोपहर में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।